कहेगा हम अकेले जुआ खेल के नहीं आए, ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला उम्मती भी जुआ खेल के आया है। और यह आवाज जब मेरे मुस्तफा सुनेंगे, अगर उनके कलमे मुकद्दस को चोट लग गई तो बता तू कहां जाएगा, किससे तू अपने उम्मीदों की भीख तलब करेगा, किसकी शफाअत ढूंढेगा। इसलिए आज ही सवेरा है, कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए तौबा कर पलटा। अपने दिल पर हाथ रख के मेरी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी को सुन ले। एक मां पूरी जिंदगी बच्चे के परवरिश में लुटा देती है, उसकी मोहब्बत का मोल है दुनिया में? अगर किसी मां के बेटे हो तो जोर से जवाब दो। बेलौस खिदमत, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, बेशक बेशक कौन करेगा दुनिया में? कोई नहीं। पूरी जिंदगी इच्छा प्रतीक्षा सुरक्षा में लगा देती है। इसीलिए दुनिया में हमने भाई की मोहब्बत को मोहब्बत कहा, बीवी की मोहब्बत को मोहब्बत कहा, बेटे की मोहब्बत को मोहब्बत कहा, सब की मोहब्बत का एक नाम दिया मोहब्बत, मगर माँ की मोहब्बत का जवाब नहीं, इसलिए हमने उसकी मोहब्बत का नाम ही अलग रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह, ममता, ममता बेशक, जवाब नहीं। कहां से जवाब लाओगे माँ की मोहब्बतों का? ए शहजादों, अपने माँ के क्यों शादियां करने के बाद माओं को ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हो? सबकी मोहब्बत को मोहब्बत का नाम दिया, माँ की मोहब्बत का अलग नाम रखा माँ, ममता। वो माँ जिसकी मोहब्बत का जवाब नहीं, सबसे ज्यादा उम्मीद आसरा उसकी मोहब्बत पे है, सबसे ज्यादा। मगर बच्चे की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है कि वो मां भी मोहब्बत करना बंद कर देती है। अब बताओ बचा क्या? जिसकी मोहब्बत से तमाम वो उम्मीदें वाबस्ता थी, मैं कह रहा हूं वो मां भी प्यार करना बंद कर देती है। कब? जब बच्चा मर जाता है। जवाब, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मां कब तक मुझसे मोहब्बत करेगी? वो तो यही कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके लाल के लाश को लेके जाओ कब्रिस्तान में दफन करो, कहीं ऐसा ना हो कि लाश फट जाए और कीड़े निकलने लगे। और जितनी जल्दी हो सके लाश को उठाओ, वरना अगर लाश फट गई, कीड़े निकले, बीमारियां पैदा होंगी, घर वाले भी उसके शिकार हो जाएंगे। मां ने भी एक दो पल मेरा इंतजार न किया। वो बीवी जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस्म के मेरे करीब थी, वो तो मेरे जनाजे के उठने का इंतजार कर रही है। बेशक बेशक, वो औलाद जिनको सुखी बनाने के लिए ना मैंने हराम का ख्याल किया ना हलाल का, कौन गारंटी लेता है कि मेरी औलाद कब्र पे मेरे पलट के फातिहा पड़ेगी? ए दुनिया वालों, अरे 70 भूख हो जाए मेरी औलाद को परवाह नहीं, मगर किसी के लिए हम अपने कब्र को ग्रहों के अपने कब्र को आग के कहवारे में तब्दील नहीं कर सकते हैं।